दिवांशु हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवांशु, आपने सुना कि शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है। अब ऐसे में जरूरी यह है आपसी तालमेल बैठाना, ऐसे में जरूरी यह है कि प्रदर्शनकारी समझे किस तरह के नाजुक हालात देश में बने हुए हैं, पुलिस प्रशासन समझे कि भीड़ को काबू कैसे किया जाए। तालमेल बहुत जरूरी है इन हालातों के बीच में। देखिए, बिल्कुल यही तो नहीं समझ रहे हैं शाहीनबाग के लोग। शाहीनबाग के लोग समझ रहे हैं कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, लेकिन वो जो जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है उसको समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये आशु खान थे जिनको हमने सुना, उनका साफ कहना है कि पुलिस ने उनके साथ धोखा किया है। आखिर ये धोखा कैसे किया गया है, ये मुझे भी उनका बयान समझ में नहीं आया, क्योंकि पुलिस लगातार पिछले कई दिनों से शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप यहाँ पर इकट्ठा मत होइए, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शाहीनबाग जो है, जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं फिर भी प्रदर्शन स्थल पर बैठे हुए थे, लेकिन ऐसे में एहतियातन पुलिस ने सुबह शाहीनबाग को खाली कराया। वहां पे जो प्रदर्शन स्थल पे महिलाएं बैठी हुई थी उनको हिरासत में लिया, लेकिन अब एक बार फिर से इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद चौंका देने वाली है कि आखिर ये शाहीनबाग के लोग चाहते क्या है। फिलहाल पुलिस बल वहां पर पूरी तरीके से तैनात है। जो फिलहाल की अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस बल तैनात है, इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। लोगों को फिलहाल समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल शाहीनबाग के लोग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उनकी संख्या सड़कों पर बढ़ती जा रही है, वो लगातार जहां पर प्रदर्शन चल रहा था वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने सुबह ही शाहीनबाग खाली करा दिया। तो कुल मिलाकर देखना यही होगा कि क्या पुलिस अब फोर्सफुली कोई एक्शन लेती है, क्योंकि अभी फिलहाल पुलिस समझा रही है, लेकिन अगर पुलिस के हाथ से कोई चीज निकलती है तो पुलिस फोर्सफुली जो है उनको घरों के अंदर भेजेगी। लेकिन फिलहाल समझाने की कोशिश लगातार जारी है, जिस तरीके से तस्वीरें लगातार शाहीनबाग से आ रही हैं। बिल्कुल दिवांशु, जैसे कि आपके साथ मैं अपना अनुभव साझा कर रही थी, आज सुबह जब हम ऑफिस की तरफ आ रहे थे हमने देखा कि किस तरह से लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि टोटल टीवी नियमों का पालन करता है और आपसे भी अपील करता है कि जो नियम बनाए गए हैं कर्फ्यू को देखते हुए आप उन नियमों का पालन जरूर करें। आपके स्वास्थ्य को देखते हुए ये नियम बनाए गए हैं, आपकी सुरक्षा को देखते हुए ये नियम बनाए गए हैं, लेकिन लोग पालन नहीं कर रहे हैं। एक एक गाड़ी में 10-10 लोग बैठ कर जा रहे थे, हर कोई अपना एक तर्क दे रहा था, हर कोई इमरजेंसी सेवा बता रहा था। जब धारा 144 लागू है, 4 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ नहीं सकते, तो गाड़ियों में लोग भर भर कर जा रहे हैं, एक गाड़ी में 10-10 लोग बैठे हुए हैं, क्या किया जाए? देखिए, यही सबसे चिंता का विषय है कि आखिर लोग मान नहीं रहे हैं। हालांकि जब प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया था उस वक्त उन्होंने कहा था कि संडे का दिन होगा, जनता कर्फ्यू आपकी तरफ से लगाया जाएगा। हालांकि जनता कर्फ्यू में लोगों ने जबरदस्त तरीके से सरकार का सहयोग किया, पुलिस का सहयोग किया, लेकिन उसके बाद जब सरकार को ऐसा लगा कि अब लॉकडाउन की जरूरत है, तमाम जितने डिपार्टमेंट हैं उसको बंद करने की जरूरत है, और जब लॉकडाउन का पहला दिन आया तो लोगों ने पलीता लगाया जबरदस्त तरीके से, और यही वजह है कि कल की तस्वीरें बेहद चिंतित करने वाली थी। दिल्ली से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी कि जब बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, घूमने जा रहे थे, उसके साथ साथ यूपी से कुछ ऐसी तस्वीरें आई। हालांकि यूपी पुलिस ने बहुत कल सख्ती बरती है और बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए हैं। केवल और केवल गाजियाबाद की बात करें तो 70 के आसपास मुकदमे दर्ज किए गए हैं, नोएडा की बात करें तो यहां पर भी 50 के आसपास मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ यूपी के और तमाम जितने जिले हैं, लखनऊ है, कानपुर है, वहां पर बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और यही वजह है कि यूपी से कल अच्छी तस्वीरें सामने आई। लेकिन बिहार से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चिंता का विषय थी, क्योंकि बिहार में एक बस के ऊपर सैकड़ों लोग बैठे होते हैं, वो सफर करते हैं, तो ये बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि अगर किसी एक भी शख्स में कोरोना का संक्रमण होता है तो वो पूरे बस में बैठे सभी को फैला देगा और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना का एकमात्र कोई उपाय है तो वो केवल और केवल अपने घर में रहना है, प्रिकॉशंस बरतना है, लेकिन अभी भी लोग समझने को तैयार नहीं है। लेकिन आज लगातार हम सुबह से अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स पर हम घूम रहे हैं, टोटल न्यूज के तमाम जितने रिपोर्टर्स हैं अलग अलग जगह पर जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हालात कैसे हैं। आज हालात कुछ सुधरे हैं, जो जितनी गाड़ियां कल सड़कों पर देखने को मिल रही थी वो आज उतनी देखने को नहीं मिली है, उसमें काफी गिरावट आई है, लेकिन
दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं कि लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद वापस अपने शहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं, और दिल्ली के तमाम जितने बस अड्डे हैं, चाहे वो आनंद विहार बस अड्डा हो, कश्मीरी गेट बस अड्डा हो, सराय कालेखां बस अड्डा हो, वहां पर लोग देखने को मिल रहे हैं अपनी घरों की तरफ रुख करने के लिए। लेकिन ऐसे में उन लोगों को यही कहना होगा कि आप अपने गाँव मत जाइए, अपने शहर मत जाइए, बल्कि दिल्ली में ही जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर स्टे कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे केवल हम सहयोग इसी बात का चाहते हैं कि जहां इस वक्त आप हैं आप उसी वक्त उस वक्त वहीं रहिए। लेकिन लोग अभी फिलहाल मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, देखना ये तैयार नहीं है, शायद यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस सख्त होती जा रही है। जो प्यार से हाथ जोड़कर समझा रहे थे वो अब सख्ती से पेश आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, दिल्ली पुलिस को मजबूरन अब सख्ती से पेश आना होगा और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने सीधा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें साफ साफ लिख दिया कि अगर कोई भी धारा 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसको पकड़ा जाएगा, उसको हिरासत में लिया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और यही वजह है कि कल दिल्ली पुलिस जो फूल बांटती हुई नजर आ रही थी उनके चेहरे पे आज काफी नाराजगी थी, काफी गुस्सा था पुलिसकर्मियों के चेहरे पे, और आज सख्ती से दिल्ली पुलिस पेश होती नजर आई। और अगर कोई भी बहाना बनाता हुआ शख्स नजर आता है तो उसको वापस भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज से दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से मुस्तैदी बरत ली है, और इसी का उदाहरण हमें दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में देखने को मिला, जहां पर धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा था, वहां पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, वहां से हटा दिया, और जाफराबाद में भी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और वहां से प्रदर्शन स्थल को खत्म करा दिया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम